हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है बैंकिंग, और बैंकिंग में प्रीवियस लेक्चर में हमने प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक के ऊपर डिस्कशन किया था। इस लेक्चर में अब हम बात करेंगे अबाउट द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, के कमर्शियल बैंक के कौन कौन से सेकेंडरी फंक्शंस एक्चुअली होते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से अपील करूंगा कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन की। हमारा आज का टॉपिक है सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। लास्ट लेक्चर में हमने प्राइमरी फंक्शंस पर डिस्कशन कर लिया था। फटाफट से एक बार मैं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन में डिफरेंस बता दूं। देखिए, बैंक्स के दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, फर्स्ट आर प्राइमरी फंक्शंस और सेकंड कौन से होते हैं, सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में हमने पढ़ा था दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड सेकंड इज व्हाट, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्राइमरी फंक्शंस आर द कंपलसरी और ऑब्लिगेटरी फंक्शंस। मींस अगर कोई एक एंटिटी को बैंक बनना है तो ही हैज टू परफॉर्म बोथ प्राइमरी फंक्शंस, डिपॉजिट्स भी लेना पड़ेंगे और लोन भी देना पड़ेगा, तभी जाकर के वो एंटिटी बैंक के फॉर्म में एस्टैब्लिश हो पाएगी। ठीक है, तो ये हमारे कौन से फंक्शंस हैं, दीज आर द कंपलसरी फंक्शंस। अगर ये फंक्शंस परफॉर्म नहीं किए जाएंगे तो वो एंटिटी बैंक ही नहीं मानी जाएगी। Now come to the second functions, secondary functions. Sorry, secondary functions are the optional functions. Optional functions का meaning है, ये bank के ऊपर और उसकी function की scale के ऊपर depend करता है कि bank इनमें से कौन-कौन से functions या कौन-कौन से activities perform करता है। हो सकता है कि कुछ banks कुछ activities perform करते हो, कुछ functions perform करते हो, कुछ functions perform नहीं करते हो, कोई दूसरा bank कोई दूसरे functions perform करता हो, पहला function perform नहीं करता हो सकता है कुछ छोटे मोटे banks इसमें से एक भी secondary function perform नहीं करते हो, कुछ बड़े banks हो जो सारे के सारे secondary functions perform करते हो, तो ऐसा possible है कि इसमें से कुछ functions banks perform करें और कुछ functions bank perform ना करें। Fine, तो अभी हम last lecture में हमने primary functions पर discussion कर लिया था, right now we are discussing about the secondary functions of bank. तो सेकेंडरी फंक्शंस की अगर हम बात करें कि भाई कमर्शियल बैंक्स के सेकेंडरी फंक्शंस कौन से होते हैं, तो हमने इसको चार पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। देखिए, फर्स्ट होता है इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, फर्स्ट सेकेंडरी फंक्शन इज व्हाट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सेकेंडरी फंक्शन इज व्हाट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। और थर्ड और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकेंडरी फंक्शन होता है, दैट इज व्हाट, एजेंसी फंक्शन। बैंक एक एजेंसी की तरह काम करता है, मैं भी आपको इसको वन बाय वन डिस्कस करता जाऊंगा। एंड फोर्थ वन इज व्हाट, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। ठीक है, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। तो हमारे पास ये चार फंक्शंस हैं, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते जाते हैं। इन दो फंक्शंस के अंदर फिर बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस आएंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज एक्चुअली बैंक परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले हम बात करें अबाउट द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। वैसे आपने अकाउंट्स के अंदर ये ओवरड्राफ्ट टर्मिनोलॉजी सुनी होगी। ओवरड्राफ्ट कब होता है, जैसे अगर कोई बिजनेसमैन है, और जो बिजनेसमैन होते हैं तो वो बेसिकली कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट ओपन करने का पर्पज ये होता है कि उनको नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आना चाहिए, जितने टाइम वो चाहे पैसा उसमें डिपॉजिट करें और एन नंबर ऑफ टाइम्स वो विड्रॉल कर सकते हैं। पार्टीज को चेक दे रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, दे कैन विड्रॉ एट एनी टाइम एट एनी अमाउंट। ठीक है, फाइन। तो बेसिकली ये करंट अकाउंट का फंडा है। अब होता क्या है, करंट अकाउंट में कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेसमैन को बैंक बैलेंस का ध्यान नहीं रखता। भाई, जिसे आप भी अगर कोई बिजनेसमैन है, आपके भी अगर आप बिजनेस क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होगा कि जो करंट अकाउंट है बिजनेसमैन, उसमें हर टाइम बैंक बैलेंस का ध्यान नहीं रखेगा। होता यह है कि भाई बिजनेसमैन को ट्रांजेक्शन्स करना है, ठीक है, और उसको हर टाइम बैंक बैलेंस का ध्यान नहीं रहता, तो वो क्या करता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जितना उसमें बैलेंस है उससे ज्यादा का किसी को चेक दे दिया। अब देखिए, प्रैक्टिकली तो ऐसा होता है कि अगर लेट सपोज मेरे अकाउंट में 50,000 रुपीज है, तो प्रैक्टिकली या फर्स्ट इंस्टेंस में तो हम बोल सकते हैं कि भाई वी कैन विड्रॉ एनी अमाउंट लेसर देन और इक्वल टू 50,000, 50,000 या उससे कम अमाउंट हम इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि कोई एक बिजनेसमैन है और उसने किसी को 60,000 रुपीज का चेक दे दिया, ठीक, 60,000 का, देखा जाए तो ये चेक क्या होना चाहिए, बाउंस हो जाना चाहिए। लेकिन बैंक क्या करता है, अपने कुछ रेप्यूटेड कस्टमर्स को, रेप्यूटेड कौन, बेसिकली वो जो अपना बैलेंस अच्छा मेंटेन करते हैं, जिनके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं, बैंक को पता है कि भाई ये बहुत पुराना कस्टमर है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी ज्यादा होते हैं और इनका हमारे पास बहुत टाइम से अकाउंट है, पैसा भी अक्सर आता है जाता है इसके अंदर, तो वो उनके बिजनेसमैन, वो जो ऐसे बिजनेसमैन रेप्यूटेड कस्टमर हो जाते हैं। तो बैंक उनको कुछ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है,
और ये बोलता है कि आप अपने अवेलेबल अमाउंट से सर्टन अमाउंट तक पैसा ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो। जैसे ये बोला गया कि भाई मिस्टर ए है, उसको बोला गया कि भाई आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट 25,000 है। इसका मीनिंग ये कि आपके अकाउंट में जितना पैसा डिपॉजिटेड है उससे आप 25,000 रुपए ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो। मींस अगर 50,000 डिपॉजिटेड है तो यू कैन विड्रॉ अप टू ₹75,000। ठीक। अब जैसे मान लीजिए इसी केस में है ना, 50,000 रुपए का बैलेंस था, 60,000 रुपीज का चेक दे दिया, तो 25,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, तो इसमें नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, चेक तो क्लियर हो जाएगा क्योंकि चेक बाउंस होता है, तो इससे बिजनेसमैन की रेपुटेशन पे इंपैक्ट होता है। तो बिजनेसमैन की रेपुटेशन पे इंपैक्ट बैंक की वजह से ना हो, तो बैंक उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहा है, तो बैंक ने कहा कि भाई आपके 10,000 रुपीज एक्सेस विड्रॉल हो गए, तो 10,000 रुपीज बैंक का ओवरड्राफ्ट दिखेगा। अब बैंक ने एक तरह से ये हमको एक शॉर्ट टर्म लोन दिया है, ये वेरी शॉर्ट टर्म होता है, कल फिर आप 20,000 जमा करा दो तो आपके अकाउंट में 10,000 दिखने लगेंगे, तो बैंक इस अमाउंट के ऊपर आपसे एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, लेकिन भले रेट ऑफ इंटरेस्ट से रेट इंटरेस्ट चार्ज हो जाए, लेकिन एक बिजनेसमैन को फैसिलिटी मिल जाती है कि भाई कहीं कोई इस तरह से पेमेंट उसका रुकता नहीं है, क्योंकि अगर एक बार चेक बाउंस हुआ तो उससे आपकी क्रेडिबिलिटी और उससे आपकी रेपुटेशन के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। फाइन, तो पहली फैसिलिटी होती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, किसी कस्टमर को मिलती है, किसी को नहीं मिलती, कोई बैंक देते हैं कोई नहीं देते। फाइन, एनीवे चलिए, सेकेंड इज वॉट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है एक टाइप का प्रोमिसरी नोट होता है। ठीक है, ये एक रिटर्न ऑर्डर होता है। होता क्या है, जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूं, उसको आप फटाफट से समझ ले। मान लीजिए कि दो पार्टीज हैं, एक है राम ट्रेडर्स और एक है मोहन ट्रेडर्स। फाइन, अब इसने क्या किया, राम ट्रेडर्स ने मोहन ट्रेडर्स को कोई गुड सेल किया, लेट सपोज 1,00,000 रुपए का, ₹1,00,000 ऑन 1st of January। ठीक है, और इससे बोला कि भाई पेमेंट, तो बोला अभी पेमेंट नहीं कर रहा, उधार है। तो ये हो गया सेलर और ये हो गया बायर। ठीक है, और अगर ये उधार का ट्रांजैक्शन है तो राम ट्रेडर्स जो है वो मोहन ट्रेडर्स के लिए क्रेडिटर्स बन जाएगा और मोहन ट्रेडर्स विल बिकम डेटर फॉर द राम ट्रेडर्स। ठीक, फाइन। राम ट्रेडर्स ने मोहन ट्रेडर्स से कहा कि भाई कितने टाइम में पेमेंट करोगे, उसने कहा कि 3 months में कर दूंगा। अब इसको थोड़ा सा इसमें डाउट है कि भाई पेमेंट को ये डिले कर सकता है, तो ये टाइमली पेमेंट को इंश्योर करने के लिए राम ट्रेडर्स मोहन ट्रेडर्स के नाम पर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है। ठीक है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, एक रिटर्न ऑर्डर देगा इसको कि भाई आपने जो 1st January को मुझसे गुड्स परचेज किया है, इसका पेमेंट आप आफ्टर 3 months ऑन अ स्पेसिफिक डे आप मुझे पेमेंट कर दोगे। लेट सपोज 1 January से 3 months होते हैं, 1 April, और इसमें 3 days ग्रेस के ऐड कर दो, तो 4th April को आप मुझे 1,00,000 रुपीज का पेमेंट करोगे। ठीक है, फाइन। अब ना मोहन ट्रेडर्स को 4th April से पहले पेमेंट करना है, ना राम ट्रेडर्स से पहले 4th April से पहले पेमेंट मांग सकता है। मोहन ट्रेडर्स कर सकता है, देखिए अभी मैं उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बट अब ये जो पीरियड है 4th April की डेट ये लॉक हो गई। फाइन, अब मान लीजिए कि राम ट्रेडर्स को मनी की रिक्वायरमेंट है, मान लो 1st February को, अब प्रॉप मान लो 1,00,000 रुपए की या जो भी अमाउंट है 80-90,000 की, अब ये मोहन ट्रेडर से पैसा मांग नहीं सकता क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज बना रखा है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, अच्छा ये ड्रॉअर है, ये ड्रॉई है, बिल ऑफ एक्सचेंज इसने बना रखा है, तो ये पैसा 4th April को ही आएगा। अब ये पैसा कहां से लाए, तो राम ट्रेडर जाता है अपने बैंकर के पास, अपने कमर्शियल बैंक, उस बैंक में जहां पर इसका करंट अकाउंट है, लेट सपोज इसका करंट अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के अंदर। फाइन, और ये जा करके ये बिल उनको देता है कि भाई मेरे पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, आज 1st February है, इसका पेमेंट 2 months के बाद आएगा, बट मुझे आज पेमेंट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे इसको पेमेंट 1-2 दिन के अंदर करके दे दें। फाइन, बैंक उससे वो बिल ऑफ एक्सचेंज ले लेगा, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करेगा सही है या नहीं है, उसमें पार्टी से बात करेगा, इससे मोहन ट्रेडर्स के भाई आपके नाम का चेक, आपके नाम का बिल है, और उसके बाद वो क्या करता है, 1,00,000 रुपए का बिल है ना, तो 1,00,000 रुपए में से कुछ डिस्काउंट डिडक्ट करके, मान लीजिए 3,000 का डिस्काउंट डिडक्ट किया, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसकी होती है, उसके अकॉर्डिंग चलता है रेट ऑफ डिस्काउंट, और 97,000 रुपीज इसके अकाउंट में डाल देगा। फाइन, अब ये 3,000 क्या लिया उसने, एक तरह से अपना इंटरेस्ट है, अपना एक तरह से अपना डिस्काउंट है फॉर द पीरियड ऑफ 2 months, वो भी पीरियडिकल ही कैलकुलेट होता है। एनीवे, अब ये पैसा, इससे फायदा क्या हुआ कि राम ट्रेडर्स को लिक्विडिटी अरेंज हो गई, मींस उसको पैसा अरेंज हो गया, भले 3,000 कम हुआ हो तो क्या हुआ, लेकिन पैसा अरेंज हो गया। बैंक 4th April तक वो बिल अपने पास रखेगा, 4th April के दिन वो बैंक जाएगा किसके पास, मोहन ट्रेडर्स के पास, और उससे जाकर के पूरा 1,00,000 रुपीज कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें दो पार्टीज है, राम ट्रेडर्स को फायदा क्या, इसको पेमेंट 2 months पहले मिल गया, भले 3,000 कम मिला, लेकिन वो बिजनेस में रोटेशन चलाकर वो 3,000 रुपीज को इजिली अर्न कर लेगा, तो 3,000 रुपीज उसको पहले से मिल गया, ये फायदा हुआ।
बैंक का बेनिफिट ये हुआ कि 2 महीने पहले पेमेंट देने से उसकी 3,000 रुपए की अर्निंग्स होगी, उसकी 3,000 रुपए की कमाई होगी, उसने दिए थे प्राम ट्रेडर्स को 97,000, कलेक्ट किए उससे अल्टीमेटली 1 लाख। तो ये प्रोसेस जो कहलाती है, ये जो पैसा लेने का, दिस इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग। बैंक से प्रायर पेमेंट ले लेना, उनसे मेच्योरिटी या ड्यू डेट से पहले पेमेंट ले लेना, दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग। तो ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कभी बहुत सारे बैंक क्या करते हैं, अलग अलग कस्टमर्स को फैसिलिटी देते हैं, लेकिन हर बैंक देगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, कंपल्शन एक्चुअली नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अबाउट व्हाट एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस क्या होते हैं उसको डिस्कस करने से पहले मैं एजेंसी फंक्शन का आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूं। देखिए एजेंसी फंक्शन, ये जो वर्ड एजेंसी बना है, इसके अंदर एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़ेंगे 1872, उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है। एजेंसी जब भी होती है तो वहां पर दो पार्टीज होती है, फर्स्ट इज व्हाट प्रिंसिपल एंड सेकंड वन इज व्हाट एजेंट। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल जो हम बोल सकते हैं कि भाई ये मालिक है उस स्पेसिफिक बिजनेस का, और एजेंट वर्क्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह वर्क करता है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करेगा, फाइन। तो प्रिंसिपल और एजेंट, ठीक। अब मैंने क्या बोला, एजेंसी फंक्शन। अच्छा, एजेंट कौन होता है, ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है और प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करेगा एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जैसा बोलेगा अकॉर्डिंगली एजेंट उसका काम करता है। आपने देखा ही होगा मार्केट में बहुत सारे टाइप के एजेंट होते हैं, एजेंसीज होती हैं। तो ये एजेंसीज अपने प्रिंसिपल की बेसिस पे काम करती है। मान लीजिए जैसे आपके एरिया में कोई सुजुकी का शोरूम है, तो वो सुजुकी का एजेंट है, सुजुकी का एजेंट है, तो वो सुजुकी कंपनी के अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। सुजुकी कंपनी उसकी प्रिंसिपल हो गई और वो जो शोरूम वाला है वो उसका एजेंट होगा। जैसे इंस्ट्रक्शन कंपनी से मिलेंगे, उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली वो सारा का सारा डीलिंग अल्टीमेटली करता है, फाइन। अब इस कंडीशन में एजेंसी फंक्शन के अंदर क्या होता है, बैंक विल वर्क एज एन एजेंट। बैंक क्या बन जाएगा, आपका एजेंट बन जाएगा। आप कस्टमर है, आप हो जाएंगे प्रिंसिपल, बैंक हो जाएगा एजेंट, ये याद रखिएगा। और मैंने क्या कहा, एजेंट रिप्रेजेंट्स द कस्टमर और रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल। एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर वर्क करता है। तो यहां पर बैंक आपके बिहाफ पर और एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यू उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, फंक्शंस परफॉर्म करेगा। आप बोलेंगे ऐसा करो तो बैंक अकॉर्डिंगली काम करेगा, और बैंक काम कर रहा है तो बैंक आपका एजेंट बनकर करेगा। और जो दूसरी पार्टी है उसको कभी कोई मींस वो कभी भी अपोज नहीं कर सकती, उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि भाई ये बैंक किस तरह से बन गया, क्योंकि क्या हुआ कि प्रिंसिपल एज कस्टमर ने उसको क्या दिया है, उसको एजेंट का स्टेटस एक्चुअली दिया है। तो एजेंट एजेंसी फंक्शन के अंदर बैंक जो होता है वो कस्टमर के बिहाफ पर उसके रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करता है, और दूसरी बात कस्टमर का एजेंट उसके इंस्ट्रक्शंस के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली काम करता है, ठीक, फाइन। तो ये हमारा एजेंसी फंक्शन हो गया। अब वन बाय वन हम इसमें एजेंसी फंक्शन डिस्कस करते जाते हैं। सबसे फर्स्ट होता है नंबर वन, इसमें ए पॉइंट लिखता हूं, ट्रांसफर ऑफ फंड्स। ठीक है, क्या होता है कि बैंक आपके बिहाफ पर फंड का ट्रांसफर करता है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर। आपने जिसे सुना होगा कि हमारे यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, NEFT, RTGS, ठीक है, और IMPS, ठीक है, तो ये सारी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट, तो ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज हैं ये है एक्चुअली एक अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने की, फाइन। होता क्या है कि आपको किसी पार्टी को पेमेंट करना है, ठीक है, अब आपको उस पार्टी को पेमेंट करना है तो आप या तो उसको कैश में दो, लेकिन वो बहुत रिस्की है, तो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर। अब तो खैर हम क्या करते हैं, हमारे एप्लीकेशन से ही कर लेते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से ही कर लेते हैं, लेकिन कब पहले क्या होता था कि भाई हमें बैंक में बाकायदा फिजिकली जाना पड़ता था। तो आज भी बहुत सारी दफा ऐसा होता है और हम बैंक के पास जाते हैं और वहां से हम उसको बोलते हैं कि भाई मुझे एक पार्टी को मान लीजिए 5 लाख रुपीज का RTGS करना है, मैं बैठा हूं इंदौर मध्य प्रदेश में और मुझे मुंबई की एक पार्टी को महाराष्ट्र में 5 लाख रुपीज का ट्रांसफर करना है, और बैंक डिटेल्स ये रही। अब आप बैंक में जब जाएंगे तो बैंक से बोलेंगे कि मुझे एक RTGS करना है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट 5 लाख रुपीज का, इंदौर से, मतलब आज इंदौर से मुंबई की, और मुंबई की पूरी उसकी अकाउंट की डिटेल, उसका IFSC कोड, सब कुछ उसका इंफॉर्मेशन आपके पास है, अकाउंट नंबर और सब कुछ, फाइन। अब बैंक क्या करेगा, आपसे एक फॉर्म भरवाता है, फॉर्म के अंदर सब कुछ लिखवा लेगा और बैंक आपके बिहाफ पर आपके अकाउंट से पैसा उस स्पेसिफिक पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ फंड्स, और ये ट्रांसफर ऑफ फंड्स की हमारी अल्टीमेटली क्या बोलते हैं उसमें 2 से 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। तो आई होप आपको ट्रांसफर ऑफ फंड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, कलेक्शन
एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स का मीनिंग होता है कि बैंक आपके बिहाफ पर और आपके स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बहुत सारे पेमेंट्स करता है और बहुत सारी इनकम को कलेक्ट करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं, ठीक है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स आपके पास पड़े, चलिए नो प्रॉब्लम। अब इसका डिविडेंड आता है आपके पास हर साल, तो डिविडेंड आजकल कैसे आता है, डिविडेंड सीधे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, आपको खबर भी नहीं होगी, मेल आ गया तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, सीधे पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, बैंक ने आपके बिहाफ पर आपकी इनकम को कलेक्ट किया, ठीक है। तो ये क्या आपके स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से ही कलेक्ट किया ना, अल्टीमेटली आपने जो भी लिया था उसके अंदर वो सब, आप जब डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, बहुत सारी दफा तो ऐसा होता है कि जब भी कभी कोई डॉक्यूमेंट हम साइन करते हैं, या जैसे आपने कभी कोई एप्लीकेशन ही डाउनलोड की होगी, तो वहां पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे आते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होती है, लेकिन हम यूजली वो टर्म्स एंड कंडीशन को रीड नहीं करते, पढ़ते नहीं है, ठीक है, वो इतनी बल्कि होती है कि हम कहां से उसको पढ़ेंगे, ठीक, फाइन। एनीवे, तो ये आपके बिहाफ पर उसने पैसा कलेक्ट किया, तो वो आपके एजेंट की तरह अल्टीमेटली वर्क कर रहा है, आप उसके प्रिंसिपल बन गए, ठीक है। उसके अलावा जैसे अगर आपने किसी आईपीओ में पैसा लगाया, तो आईपीओ का पैसा भी सीधे कहां से डिडक्ट होगा, आपके अकाउंट से डिडक्ट होकर के उधर चला जाएगा। तो आपने बैंक को एजेंट बनाया ना कि भाई आप पैसा मेरा इससे ले लेना, आपको अपने बिजनेस, आपको अपनी ईएमआई पे करनी है, तो आप क्या करते हैं, कैंसिल चेक दे देते हैं, और उस कैंसिल चेक के अकॉर्डिंगली हर मंथ आपके अकाउंट से एक स्पेसिफिक डेट पर आपकी ईएमआई कटती जाती है। या फिर मैं कहूं उसके अंदर कि आपको जैसे कोई एक टेलीफोन बिल का या कुछ ऐसा पेमेंट करना है, तो वो भी क्या होता है, आप बैंक में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से वो दे देंगे, तो वो भी पैसा कट जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, हर मंथ आपकी आपके आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली बैंक से डिडक्ट अल्टीमेटली हो जाएगी। तो आई होप ये क्लियर हो गया, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। बैंक आपके बिहाफ पर बहुत सारे एक्सपेंसेस का पेमेंट करता है और बहुत सारी इनकम्स का एक्चुअली रिसीव करता है। फोर्थ थर्ड पॉइंट है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब देखिए ये सी पॉइंट है, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज हमें पता है, फॉरेन एक्सचेंज मीन्स हमारे अलावा जो दुनिया की किसी भी दूसरी कंट्री की करेंसी हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है। बैंक क्या करता है, बैंक से हम फॉरेन एक्सचेंज को परचेस कर सकते हैं, हम बैंक को ऑथोराइज करेंगे कि भाई हमको $1,000 चाहिए, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा, हमको $1,000 का रेट बता देगा और हमारे बिहाफ पर वो $1,000 परचेस कर लेगा। तो परचेस और सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मींस डॉलर का बाय करना, यूरो पाउंड्स का बाइंग और सेलिंग जो होती है वो बैंक के थ्रू, हमारे आसपास का जो भी कमर्शियल बैंक है या जो भी हमारा बैंकर है, हम उसके थ्रू ये अल्टीमेटली एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। फोर्थ है इसके बाद परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। देखिए परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, अभी ये सिक्योरिटीज जो होती हैं, ये होती हैं कभी कभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जीसेक जिसको बोलते हैं, या कभी कभी प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटीज भी होती हैं, ठीक है। तो बैंक्स को आप इंस्ट्रक्शन दे दें कि भाई मेरे बिहाफ पर आपको इतने की सिक्योरिटीज परचेस करना है, जो भी अमाउंट हो मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बैंक आपके बिहाफ पर उन सिक्योरिटीज को परचेस कर रहा है, पैसा नेचुरली बट नेचुरल वो आपके अकाउंट से डिडक्ट करेगा, और अगर आप बोलेंगे कि मेरे बिहाफ पर ये सिक्योरिटीज को सेल कर दो, तो सिक्योरिटीज सेल हो जाएंगी और पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज भी होती है, और देखा होगा आपने कि हर बैंक के डीमैट अकाउंट्स भी एक्चुअली होते हैं, और डीमैट अकाउंट्स से भी क्या होता है, बेसिकली वो लोग इसी तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। चलिए उसके बाद आ गया फोर्थ पॉइंट है हमारा, या फिफ्थ पॉइंट इसको बोले में, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। देखिए आप कभी कभी किसी बैंक में जाएंगे, तो उस बैंक के अंदर, ज्यादातर बैंक्स के अंदर नहीं, बहुत कुछ जैसे जो बड़ी ब्रांचेस है वहां पर बाकायदा एक कंसल्टेंसी का एक अलग से काउंटर होता है। अगर आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड या उसके प्रोविजन से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट या क्वेरी है, तो आप उस इनकम टैक्स कंसल्टेंसी के पास चले जाओ, वो आपसे थोड़ी बहुत फीस लेंगे और आपको कंसल्ट करेंगे कि भाई आपको टैक्स किस तरह से भरना पड़ेगा, या आपको किसी डिडक्शन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी किसी भी तरह का मीन्स आपको रिटर्न फाइल करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बैंक में चले जाए और बैंक में बंदा बैठा हुआ होगा और वो आपको इनकम टैक्स कंसल्टेंसी देगा, मींस आपको कंसल्ट भी करेगा कि आपको अपनी इनकम को इस तरह से कंप्यूट या उस तरह से असेसमेंट करना है, और आपको अपना रिटर्न बेसिकली किस तरह से फाइल करना है, वो इंफॉर्मेशन भी बैंक्स देते हैं। लेकिन सब बैंक देंगे ये फिर से मैं बोल रहा हूं, कंपलसरी नहीं है, बिकॉज ऑल दीज आर द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक, फाइन। उसके बाद होता है ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसके अंदर ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, अगर आप इन दो वर्ड्स पर ध्यान दें, ट्रस्टी, ठीक है भाई, जिस पर ट्रस्ट किया जा रहा है, और एग्जीक्यूटर मीन्स जो आपके बिहाफ पर किसी चीज को एग्जीक्यूट करेगा,
बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपनी विल, अपनी वसीयत बनवाते हैं। अब वसीयत बनवाने के बाद उनको ऐसा लगता है कि घर में रखेंगे तो शायद सेफ नहीं है, ठीक है, तो उसको सेफ करने के लिए वो बैंक को बोलते हैं कि बैंक मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूं और ये अपनी विल में आपके पास रख रहा हूं, ठीक है, अब ये विल मेरे जिंदा रहने तक तो आप ही के पास रहेगी, तो आपने ट्रस्ट किया तो एक तरह से बैंक आप पे ट्रस्टी हो गया, ठीक फाइन, और जब मेरी डेथ हो जाए तो उसके बाद आपको इस बिल को एग्जीक्यूट भी करवाना है। एग्जीक्यूट कराना मींस जैसा मैंने लिखा है कि मेरा ये हाउस मेरे बड़े बेटे को, ये हाउस छोटे बेटे को, इतना बैंक बैलेंस इसको, इतना इसको, ये फैक्ट्री इसको, ये फैक्ट्री इसको, या जो भी उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उन इंस्ट्रक्शंस को आपको एग्जीक्यूट कराना आफ्टर माय डेथ, ठीक है। अब उसके डिमाइज के बाद में बैंक जाएगा, उसके फैमिली मेंबर्स के पास में वो बिल देगा और उस बिल को जैसा बोला गया है, उस बिल के अंदर जैसी इंस्ट्रक्शन है उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। तो ट्रस्टी जिस पे ट्रस्ट किया जाए, विल आपने बनवा ली और बैंक के पास आपने रख दी, और एग्जीक्यूटर मींस जब उसकी डेथ हो जाएगी, जब टाइम आएगा उसको एग्जीक्यूट कराने का, तब बैंक उसको एग्जीक्यूट अल्टीमेटली करवा लेगा वसीयत को, फाइन। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा, ठीक फाइन। उसके बाद आइए लेटर ऑफ रेफरेंस। देखिए एफ के बाद ये हमारा जी पॉइंट है, लेटर ऑफ रेफरेंस। लेटर ऑफ रेफरेंस एक्चुअली क्या होता है, ये बिजनेस वर्ल्ड के अंदर चलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी पार्टी के पास में गए और उस पार्टी को, वो आप नए हैं उस पार्टी के लिए, अब आप उससे कोई गुड्स परचेस करते हैं और आपको क्रेडिट में परचेस करना है, लम सम अमाउंट उठानी है, तो वो पार्टी आप पर कैसे ट्रस्ट करेगी, क्योंकि आप तो फर्स्ट टाइम बेसिकली उसके पास गए। तो होता क्या है कि आप, वो आपको वो बोलेगा भाई मैं आपको पहचानते नहीं हूं, आप क्या करें, किसी ना किसी का रेफरेंस ला के मुझे दे। अब आप रेफरेंस के लिए आसपास ढूंढेंगे, इससे बेटर है आप रेफरेंस के लिए अपने बैंकर को बोलें जिसमें आपका बैंक अकाउंट है, भाई पिछले 5-10-20 साल से आप उसमें बैंक अकाउंट ओपन करके चला रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, बैंक के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई आप मेरा एक लेटर ऑफ रेफरेंस दे दो, मेरा रेफरेंस आप इसके अंदर दे दो कि भाई ये हमारा बैंक अकाउंट होल्डर है, इसने इतने का गुड्स है, ये इसके इतना इतना बैलेंस रहता है, अगर बेसिकली इससे पेमेंट नहीं आएगा तो बैंक की तरफ से उसका पेमेंट हो जाएगा, ठीक फाइन। तो वो लेटर ऑफ रेफरेंस लेकर के फिर वो स्पेसिफिक पार्टी के पास जाएगा और वहां से फिर वो जब जो दूसरी पार्टी होती है वो लेटर ऑफ रेफरेंस देखेगी तो फिर उसको ट्रस्ट होता है कि हाँ एक्चुअली इसका इस स्पेसिफिक अकाउंट बैंक में अकाउंट है, तो फिर वो ट्रस्ट करके उसको वो गुड्स क्रेडिट के ऊपर भी अल्टीमेटली दे सकते हैं। तो बिजनेस वर्ल्ड के अंदर ये लेटर ऑफ रेफरेंस चलता है, और वैसे भी हमने देखा होगा अगर आप जैसे लोकल मार्केट में देखते हो तो एक पार्टी दूसरी पार्टी का रेफरेंस देती है, लेकिन यहाँ पर बाकायदा सब कुछ लिखा पड़ी के साथ में रेफरेंस एक्चुअली दिया जाता है। एजेंसी फंक्शंस के बाद हमारे आते हैं जनरल यूटिलिटी। जनरल यूटिलिटी मींस नॉर्मल, अब ये जनरल यूटिलिटी के कंसेप्ट को समझते हैं, मींस जनरल हमें कोई फंक्शंस परफॉर्म करना है तो बैंक उसमें हमारी हेल्प एक्चुअली करता है। अब इसके अंदर भी अलग अलग पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, लॉकर फैसिलिटी। अब जनरल यूटिलिटी में फर्स्ट पॉइंट है लॉकर फैसिलिटी। आपको पता ही है होगा एक्चुअली कि भाई लॉकर फैसिलिटी क्या होती है, आपके पास कोई प्रीशियस बिलोंगिंग्स है, आपके पास कोई ज्वेलरी है या फॉरेन एक्सचेंज है या कोई डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास विल है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स है, घर में रखेंगे तो चोरी होने का डर है, खतरा है उसके अंदर, तो आप क्या करते हैं बैंक से एक लॉकर हायर कर लेते हैं। बैंक क्या करेगा, लॉकर अलग अलग साइज के होते हैं, छोटा बड़ा मीडियम साइज के लॉकर्स होते हैं, और बैंक में आप वो लॉकर ले लें, लॉकर का रेंट पे करते जाए जो भी ईयरली रेंट होता है, और वो लॉकर आपकी कस्टडी में बेसिकली आ जाता है। अब अपने वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स जो भी होगी आप ले जाकर के उस बैंक के अंदर, उस लॉकर के अंदर प्लेस कर सकते हैं, जब चाहे आप उसको अल्टीमेटली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लॉकर फैसिलिटी, और आजकल तो देखा होगा बैंक के अलावा क्लब्स में भी लॉकर फैसिलिटी यूज होती है, या आप किसी जिम्नेशियम में जाते हैं तो वहां पर भी, या स्विमिंग पूल जाते हैं तो उधर भी लॉकर फैसिलिटी एक्चुअली मिल जाती है, बट ये बैंक की लॉकर फैसिलिटी है और इसके लिए आपको कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेंट, उसको ईयरली रेंट आपको पे करना पड़ता है, फाइन। उसके बाद हो गया नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ट्रेवलर्स चेक। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ट्रेवलर्स चेक जो होता है, ये ट्रेवलर को कोई भी एक बंदा जो ट्रैवल करता है उसको भारी भरकम कैश ले जाने से बचाता है। मान लीजिए कि अगर आपको इंडिया के बाहर कहीं जाना है या इंडिया में ही कहीं जाना है उसको, और आपको लमसम अमाउंट लेकर के जानी है, तो आप क्या करेंगे, इतनी सारी कैश लेकर के जाएंगे तो एक रिस्क होता है, ठीक फाइन। तो हम क्या करते हैं कि बैंक के पास वो अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं। लेट सपोज जैसे हमने बैंक को इसमें एजेंसी फंक्शन के अंदर पहले फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करवाया, हमने कहा कि हमें $10,000 कन्वर्ट कर दीजिए, $10,000 उसने कन्वर्ट कर दिया। अब हमने कहा कि इसके ट्रैवलर चेक बना दे, मैं यूएस जा रहा हूं, ठीक है। अब आपने इसके लेट सपोज पूरा $10,000 का एक ट्रैवलर चेक नहीं बनवाया, आपने क्या किया 5,500 के, मतलब जैसे हम बोल सकते हैं 20 ट्रैवलर चेक इसके बनवा लिए, $5,500 के आपने 20 ट्रैवलर चेक बना लिए, ₹10,000 हो गए, ठीक है। अब 20 ट्रैवलर चेक आपके पास है, अब ये ट्रैवलर चेक है आपके पास,
अब आप जब यूएस गए वहां पर आपको कैश की रिक्वायरमेंट होगी तो आप किसी भी बैंक में जो भी सर्टन बैंक होगी जिनका उनसे कोलाबोरेशन है उस बैंक में जाइए वो ट्रेवलर्स चेक दीजिए और वहां से आपको $500 क्या होगा कैश दे दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है कैश को ले जाने का जो रिस्क है अब आपके पास एक आपने ट्रेवलर चेक क्या करवा लिया मैच्योर करवा लिया उससे पैसा ले लिया 19 ट्रेवलर चेक अब भी आपके पास पड़े हैं। जब आपको फिर और फर्दर कैश की रिक्वायरमेंट हो फिर दो दिन बाद जाए फिर ट्रेवलर चेक से क्या कर ले उसका पैसा आप निकलवा ले जो बच जाएंगे ट्रेवलर चेक बाद में ले आए बैंक को दे दे और बैंक उसको क्या करेगा आपको अल्टीमेटली पेमेंट कर देगा। तो इससे आपका रिस्क जो होता है हेवी जितने भारी भरकम कैश को ले जाने का वो भी रिस्क आपका अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर। थर्ड होता है इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट। देखिए ये कहलाता है शॉर्ट में LC, ठीक है लेटर ऑफ क्रेडिट LC इसको बोलते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है जितने भी जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं मतलब बोले ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो बेसिकली होते हैं तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हम पार्टीज को तो जानते नहीं है। अब लेट सपोज मान लीजिए कि भाई मुझे मैं बैठा हूं इंदौर के अंदर ठीक है और मुझे चाइना की किसी कंपनी से या यूएस की किसी कंपनी से कोई चीज को इंपोर्ट करना है ठीक है। अब यूएस में पता नहीं कौन सी सिटी के कौन से एरिया के अंदर वो बेसिकली कंपनी बैठी हो मैं तो यहां बैठा हूं इंडिया के अंदर मैं उसको अल्टीमेटली जानता नहीं और सेम प्रॉब्लम उसके साथ भी है कि वो मुझे नहीं जानता। अब हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट एक्चुअली कैसे करें भाई मुझे गुड्स को परचेस करना है तो मुझे यहां से मैं अगर गुड्स को क्या कर रहा हूं इंडिया में इंपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या करना है पेमेंट करना है और इस पार्टी को पेमेंट रिसीव करके गुड्स भेजना है। मान लेट सपोज ये $100,000 का पूरा बेसिकली इंपोर्ट है $100,000 मुझे उनको अल्टीमेटली पे करना है। तो अब $100,000 में और मान लें कि इस पूरे ड्यूरेशन में उसने बोला कि भाई 3 months के अंदर गुड्स आपको पहुंचाया जाएगा 3 to 4 months में तो अब $100,000 कब पे करना है स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में या एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में। स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में दिया वो पार्टी पता नहीं कहाँ है कैसी है आपके पास गुड्स ही नहीं पहुंचाया उसने या उसकी तरफ से भी हम एक रिस्क हो सकता है कि भाई उसने आपको गुड्स भेज दिया आप पेमेंट नहीं कर रहे उसमें। तो एक्चुअली क्या होता है यहां पर पूरा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं वो थ्रू बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं LCs के ऊपर चलते हैं। होगा क्या कि एक LC मैं बनवाऊंगा लेटर ऑफ क्रेडिट और एक LC वो अपने बैंक से बनवाएगा ठीक है। जैसे मान लो कि मिस्टर मैं ए हूं और वो बंदा बी है मैं इंडिया में बैठा हूं और वो यूएस के अंदर बैठा है। अभी एक LC मैं बनवाऊंगा मान लो मैंने LC बनवाया SBI से इसने बनवाया LC सिटी बैंक से ठीक है। अब ये LC ये जो LC मैंने SBI से बनवाया है ये मैं इसको सेंड करूंगा उसके लिए मुझे कुछ इनिशियल डिपॉजिट करने पड़ते हैं फिर किसी वीडियो में मैं आपको पूरी इसकी प्रोसेस बता दूंगा और सिटी बैंक से इसने LC बनवाया और ये LC मुझे सेंड करेगा। अब देखिए इसमें दो बैंक इन्वॉल्व होगा और दो रेप्यूटेड बैंक इन्वॉल्व हो चुके हैं तो अब हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। अब जो पेमेंट होगा ना वो मेरे पास से SBI के पास जाएगा SBI से सिटी बैंक के पास जाएगा और सिटी बैंक से बी के पास जाएगा ठीक है। तो और ये टाइम टू टाइम होता है जैसे वो गुड्स बेचते हैं और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में बिल ऑफ एक्सचेंज जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया बिल ऑफ एक्सचेंज इंटरनेशनल बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू पेमेंट होता है फाइन। तो अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो यू नीड LC लेटर ऑफ क्रेडिट और लेटर ऑफ क्रेडिट भी कौन फैसिलिटी देता है बैंक बड़े बैंक एक्चुअली इसकी फैसिलिटी देते हैं। उसके बाद फोर्थ इसके अंदर है अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज ठीक है। अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज का मीनिंग होता है अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर ये होता है कि भाई जैसे अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं जो अपनी रेपुटेशन के बिहाफ पर किसी भी कंपनी के शेयर्स को मार्केट में बिकवाते हैं। मान लीजिए कोई एक नई कंपनी आई है एक्स लिमिटेड ठीक है। अब उस कंपनी को बेसिकली कोई जानता नहीं और उसको डर है कि हम IPO लेकर आएंगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग शेयर्स इशू करेंगे तो हमारे शेयर्स को कोई परचेस नहीं करेगा ठीक है। तो ये क्या करते हैं मार्केट में से बहुत सारे अंडरराइटर्स बैठे हैं वो कभी इंडिविजुअल भी हो सकता है कोई प्राइवेट फर्म्स भी हो सकती है बैंक्स भी हो सकते हैं। ये उन अंडरराइटर्स की फैसे उनकी अपनी रेपुटेशन बहुत हाई होती है तो ये उनकी हेल्प लेते हैं कि भाई आप अपनी रेपुटेशन की पर हमारे शेयर्स को सेल करवाइए और हम इस सेल के ऊपर आपको क्या देंगे एक तरह से कमीशन देंगे ठीक है या जो भी ब्रोकरेज या कमीशन होता है वो बेसिकली हम आपको पे करेंगे। अब बैंक क्या करता है इनके शेयर्स को अपनी रेपुटेशन के ऊपर सेल करवाता नहीं सेल होंगे तो बैंक को खुद को परचेस करना पड़ेगा फिर स्लोली स्लोली वो सेकेंडरी मार्केट में उसको सेल कर देता है और उसके बिहाफ पर उनसे क्या ले लेता है कमीशन बेसिकली ले लेगा। तो ये कहलाएगा हमारा अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। एंड फिफ्थ वन इज कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब ये देखिए ये लास्ट है हमारा कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बैंक्स जो होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग टाइप का डेटा और अलग अलग टाइप की स्टैटिस्टिक्स मार्केट से कलेक्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या दूसरे किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। कभी कभी कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई डेटा चाहिए तो वो बैंक्स के पास जाता है। बैंक के पास डेटा इसलिए इजीली कलेक्ट हो पाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का डेटा बैंक के पास ऑलरेडी है क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स बैंक के अंदर ओपन है तो बैंक बहुत सारी दफा आपने देखा होगा आए दिन अक्सर कुछ ना कुछ डेटा हमारे पास कुछ ना कुछ प्रिंट होता है कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिक्स छपता है
जो अलग अलग इंफॉर्मेशन या अलग अलग डेटा से रिलेटेड अल्टीमेटली होता है। तो ये हमारे चार बेसिकली सेकेंडरी फंक्शंस थे। उसमें फर्स्ट था ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ फिक्सेस, एजेंसी फंक्शंस, मैंने बहुत सारे फंक्शंस बताए, और फोर्थ वन इज जनरल यूटिलिटी फंक्शन। आई होप आपको ये सारे क्लियर होंगे। स्टिल अगर इसमें कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप जब चाहे मुझसे कमेंट सेक्शन कमेंट करके अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी होगा पढ़कर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और एक बार फिर से आपको ऐसे अपील है कि अगर आपको लेक्चर यूजफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।